क्या बात है? शेर सिंह मारा गया। और उसके साथ आरती नहीं थी? जी नहीं, वो अकेला था। इन दोनों को खत्म कर दूं सरदार? अभी नहीं, गंगवा आरती को लेकर आता होगा और शायद विजय के लिए इन दोनों की जरूरत पड़े। बस विजय, अब मुझसे नहीं चला जाता। घबराओ मत आरती, अब हम खतरे से बाहर हैं। छोकरी को झूठी तसल्ली मत दे छोकरे, असली खतरा तो यहां से शुरू होता है। शेर सिंह, वरना तुम्हारी पत्नी की जान चली जाएगी। चौधरी, मेरी गंगा के गले पे खराश भी आई ना, मैं तुझे चीर के रख दूंगा। अपने आप को मेरे आदमियों के हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बीवी की गर्दन अलग कर दूंगा मैं। हरामजादे! शेर सिंह, अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। ले जाओ इसे। ये बेहोश भी हमारे लिए खतरनाक है। तुम? हमने गोली रिवॉल्वर पे चलाई है चौधरी, तुम पे नहीं। इसका मतलब ये है कि हम यहां दोस्त बनकर आए हैं, दुश्मन बनकर नहीं। लेकिन हमारी दो शर्तें हैं चौधरी। शर्तें? पहली शर्त ये चौधरी कि अपने आदमियों से कह दो कि तुलसी के पास से हट जाएं, क्योंकि औरत की इज्जत पे हाथ डालने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ते। हट जा सब। और दूसरी शर्त, शेर सिंह को मारने की कसम हमने खाई है, उसे सिर्फ हम मारेंगे। तुम्हारी शर्तें मैं इसलिए मान लूं क्योंकि तुम्हारे पास 5 गोलियों वाला ये खिलौना है। इस खिलौने की ऐसी की तैसी चौधरी, मेरे पास ऐसा खिलौना है जो टूट गया तो तुम जीते जी मर जाओगे। क्या मतलब? आरती, आप और डाकू, शर्मा रही है मुझे आपको पापा कहते हुए। ये तुम्हें कहां से मिले? मैं शेर सिंह की तलाश में उसके घर पहुंचा, वहां तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी मिली। मुझे यकीन था कि शेर सिंह तुम तक जरूर पहुंचेगा। उसे वापस हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया। सूरज सिंह, बदले की वजह से मेरे पति कैसे क्या बन गए, हमारे घर का सुख तबाह हो गया। तुम भी उसी रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। सूरज सिंह का नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, इसे सूरज सिंह अच्छी तरह जानता है। खबरदार!
अपने अपने हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे सरदार का सर गुब्बारे की तरह फाड़ कर रख दूंगा। फेंक दो। मैं ये चाल तेरी बेटी को निशाने पर लेके भी चल सकता था चौधरी, लेकिन तेरे तमाम आदमियों की वफादारी तुझसे है, तेरी बेटी से नहीं, इसलिए तुझे निशाने पर लेके चलना पड़ा। इसका मतलब शेर सिंह से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है? मैं शेर सिंह का दुश्मन जरूर हूं, लेकिन कमीना नहीं। जो इन औरतों को मर जाने दूं और इन दो मासूमों के प्यार को बर्बाद होने दूं, मैं शेर सिंह को जरूर मारूंगा चौधरी, लेकिन इन सबको बचाने के बाद और तुम सबको मार डालने के बाद। अबे पुलिस वाले, मुझे जैसे ही पता चला कि विजय और आरती तेरे कब्जे में है, मैं तेरे मैया को ले आया। हैरान काय को लपक रहा ढक्कन के। शाबाश जियो गंगवा, आज के बाद लूट के माल के तीन हिस्से होंगे, एक हमारा, एक हमारे दोस्तों के लिए और तीसरा तुम्हारे लिए। जीवा, चौधरी जी मुझे हिसाब किताब में बहुत कमजोर लगते हैं। चौधरी साहब, हिस्से तो होंगे सिर्फ दो, एक हमारे दोस्तों के लिए और दूसरा हमारे लिए, क्योंकि क्योंकि ये तुम्हारा होने वाला दामाद है। अब ढक्कन का काय को फुदक रिया, एक डाकू की बेटी की शादी एक डाकू के साथ होगी या किसी कमिश्नर के लाउंडे के साथ, क्यों साथी हो? हराम जादो, तुम सब भी इस कुत्ते के साथ मिल गए। सरदार बनने का हक सिर्फ उसका होता है जो खुद अपनी जान पर खेले। जानता ढक्कन के, दुश्मन जिंदा रहे तो गंगवा को नींद ही ना आए है। आज तेरे पूरे खानदान की उम्र मुझे लग जाएगी। चुन चुन के मारूंगा एक एक को तेरी आंखों के सामने, और फिर तू देखेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रहम की भीख मांगेगा और कहेगा, गंगवा जी इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो। लेकिन नहीं, गंगवा अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करे है। और फिर तेरी आंखों के सामने तेरी नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी माशूका के साथ। इस खून का बदला मैं तेरे खून से लूंगा ढक्कन के। अरे कुत्ते, अगर मर्द का बच्चा तो मेरा हाथ सुन। मैं मर्द का बच्चा नहीं, शैतान का बच्चा हूँ। बंद हो इस हरामजादे को और होश में लाओ इसके बाप को। पुलिस वाला शेर सिंह, अब पासा पलट चुका है, हमने चौधरी की गद्दी छीन ली है और सरदार बनने की खुशी में हम कुछ तमाशा देखना चाहते हैं। इस पुलिस वाले ने बहुत डाकू मारे हैं और ये ढक्कन का तुम्हें भी मारना चाहता है। तुम्हारी बहादुरी के भी हमने बहुत किस्से सुने हैं, क्यों ना आज तुम दोनों में मुकाबला हो जाए। कुत्ते, वक्त का नाजायज फायदा मत उठाओ, सब जानते हैं मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता और ये भी जानता है कि मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब एक ढक्कन के उधर देख। शेर सिंह, जब तक तुम दोनों के हाथ चलते रहेंगे तब तक मेरा आदमी अपना हाथ रोके रहेगा, और जहां तुम दोनों के हाथ रुके मेरा आदमी रस्सी खींचेगा, तलवारें निकलेंगी और तुम्हारा बेटा जिंदगी भर के लिए फुदकना बंद कर देगा, यानी कि उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। बेटे के लिए तो लड़ोगे ना शेर सिंह? Thank you.
हथियार उठाओ शेर सिंह। शेर सिंह हथियार उठाओ, हथियार उठा ही लो शेर सिंह। मुझे माफ कर देना। का गाय गोर हो रही है, चल सूरज देख मेरे पास वक्त नहीं, चला गोली, चला गोली। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई शेर सिंह, मेरी नफरत हार गई। मैं हार गया शेर सिंह। मुझे आज पता चला कि मेरा मोहसिन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है। मेरा मोहसिन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है। हाँ शेर सिंह, मेरा मोहसिन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है। सूरज, ए सूरज, आखिरी चांद सांसों में जो सुकून तूने मुझे दिया है, मैं शायद सात जन्म पाकर भी सुकून हासिल नहीं कर सकता था। आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ है, आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ है। गंगा, हे गंगा,
सुन रही है तू? आज मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया गंगा। गंगा नहीं, नहीं गंगा नहीं, नहीं गंगा, तू तो मुझसे बहुत खुशकिस्मत है रे, तू सुहागन जा रही है रे। इस जिंदगी ने हमें हर मोड़ पर सताया गंगा, जीते जी हमें कभी मिलने नहीं दिया, लेकिन आज आज मैं तेरे साथ जाऊंगा गंगा, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा गंगा, मैं रहूंगा गंगा, मैं